अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिक्स ऑफ ऑल समथिंग ऑफ एवरीथिंग। एक कुछ अरसा हो गया था आपसे मुलाकात होके। इस ब्रेक के दौरान मेरी आंट की तबीयत भी ठीक नहीं थी और दो बैड न्यूज़ भी हैं आपको देने के लिए और एक अच्छी सी गुड न्यूज़ भी है। वो गुड न्यूज़ ये है कि हमारी स्वीटी को बेबीज़ होने वाले हैं, किटन्स होने वाले हैं। तो ये बॉक्स हमने रखा है जिसमें वो किटन्स डालने वाली है और आज के दिन शायद ये प्रिपेयर हो रही है, कल तक इसके किटन्स आ जाएंगे। ये बॉक्स का हाइट थोड़ा ज़्यादा था इसलिए मेरे हस्बैंड ने उसे काट के थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। ये है लियो और आज भी टेबल के नीचे बैठी है। जब भी स्वीटी किटन्स डालने वाली होती है ये उसके आसपास आ जाते हैं, बॉक्स के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। इस दौरान मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने हमारे पहले वीडियो में आपसे शेयर किया था कि हमारे यहाँ 5 पेट्स हैं और उन 2 पेट्स के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ और वो बैड न्यूज़ भी उन्हीं से जुड़ी हुई है। एक उसमें पेट है मछली, जो कि नॉर्मली हर एक के यहाँ पाई जाती है। मैंने कहा था कि आपको गेस करना आसान होगा वो, तो चलिए हम एक पुराना वाला वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें वो फिश हमारे पास थी और सैड न्यूज़ ये है कि वो अब नहीं रही। जब हम लौट के कहीं से वापस लौट के देखा तो वो फिश मर चुकी थी, बट हमने उसका वीडियो लेके रखा था। तो ये है वो फिश जो फाइटर फिश है। हमने इसका नाम भी नहीं सोचा था, सिर्फ 3 दिन हुए थे इसे लाके और उसके बाद ही ये मर गई थी और यही बुरी खबर है। और हमारा अगला पेट था एक स्कॉर्पियो। हाँ, तो ये है वो स्कॉर्पियो, ये है उसका पहला वीडियो। जिस दिन पहले वो हमें मिला था वो मेरे हस्बैंड के दोस्त को रिंग रोड पर मिला था और हमने उसे ले लिया था ताकि हम उसे घर पर रखें। तो उसे हम कीड़े मकोड़े वगैरह डालते थे बट वो भी मर गया। मरने के बाद के ये फ़ोटोज़ हैं, तो हमारे पास उसके फर्स्ट डे और लास्ट डे के फ़ोटोज़ हैं। तो यही सैड न्यूज़ आपको बतानी थी। आज पूरे एक रात के गुजरने के बाद हमारे यहाँ एक नया मेहमान आ चुका है जो कि है स्वीटी का छोटा सा बेबी। एक्चुअली इसने 4 किटन्स डाले थे पर 2 जब डाला उसने तभी वो मर चुके थे। एक कुछ लाइवली था पर सुबह तक वो भी मर चुका था, लेकिन एक जो हेल्दी वाला बेबी है वो है ये। और हमने इसका नाम रखा है, बहुत यूनिक सा नाम रखा है हमने, इसका नाम हमने रखा है एलियन। यह वो छोटा सा बेबी जिसका नाम हमने एलियन रखा है। देखते हैं, ये भी थोड़ा अनहेल्दी लग रहा है लेकिन होपफुली ये ठीक हो जाएगा। और पिछली बार भी स्वीटी ने 3 किटन्स डाले थे जिसमें कि 2 मर चुके थे और एक सर्वाइव हुआ जिसको हमने हमारे कजिन ब्रदर के यहाँ दे दिया। ऐश हमेशा इसके बॉक्स के इर्द गिर्द ही घूमती थी, पिछली बार भी वैसे ही किया था उसने। लकीली वो किटन्स को कोई हार्म नहीं करती और लियो भी बहुत ज़्यादा पैम्पर करता है अपने किटन्स को। अभी आपने सुनी विशल की आवाज़ और उससे मुझे याद आया कि मैंने जो मिशन बिरयानी की थी उस मिशन का रिजल्ट आपको नहीं बताया था, तो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरी आंट ने उस बिरयानी को टेस्ट करके कहा कि और थोड़े मसाले पड़ना ज़रूरी थे और नमक, खटास और मिर्च भी थोड़ा कम था, तो मैं उसे इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश ज़रूर करूँगी।
ये है अगला दिन जहाँ पर स्वीटी अपने एलियन को बाहर लेके आ चुकी है। बॉक्स के बाहर कभी भी वो नहीं लाती, जब तक सारे किडन्स चलना सीख नहीं लेते, खुद ब खुद बॉक्स से बाहर नहीं आते, वो उन्हें बाहर नहीं लाती। पर पता नहीं इस बार क्या हुआ कि वो उसे बाहर ला लेके आ गई है, और लियो भी उसे देख रहा है बैठ के। यहाँ आप देख सकते हैं कि तीनों ही बिल्लियाँ साथ में बैठी हैं, पर बच्चे को कोई हार्म नहीं कर रहे हैं। और अभी देखिए ये दोनों का खेलना शुरू हो गया है, लियो और ऐश का। बहुत देर तक ये यहाँ बैठे थे, फिर इन्होंने खेलना शुरू किया तो हमने उसे भी कवर कर लिया। इनकी खेलकूद अब लड़ाई में बदल चुकी है। चलिए तो हम हमारे वीडियो को अब वाइंड अप करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो जल्द ही मिलने के वादे के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ।